Stopwatch. Stopwatch is used to measure the time interval of an event. किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल उसका हमने मेजर करना हो तो हम स्टॉपवॉच को यूज़ करते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉपवॉचेस, मैकेनिकल एंड डिजिटल. स्टॉपवॉचेस दो तरह की होती हैं, एक मैकेनिकल भी होती है, एक डिजिटल होती है. और मैकेनिकल स्टॉपवॉच से हम टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड तक मिनिमम टाइम इंटरवल जो है वो मेजर कर सकते हैं. जबकि डिजिटल स्टॉपवॉचेस जो कॉमनली लेबॉरेटरीज में भी यूज़ होती हैं उससे हम स्मॉल भी टाइम इंटरवल यूज मेजर कर सकते हैं 0.01 सेकंड तक. अब बात आती है कि हाउ टू यूज स्टॉपवॉच. सो अ मैकेनिकल स्टॉपवॉच हैज़ अ नोब दैट इज़ यूज टू विंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच. मैकेनिकल स्टॉपवॉच में अगर हम देखें तो एक नोब होती है जिसके थ्रू हम उसको पावर करते हैं और उसका स्टार्ट स्टॉप बटन भी होता है, उसको रीसेट भी कर सकते हैं. द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नोब इज़ प्रेस्ड वंस. वॉच तब स्टार्ट होती है जब एक दफ़ा नोब को प्रेस कर दें, और जब दूसरी दफ़ा नोब को प्रेस करेंगे तो वो एंड हो जाएगी, और जब टाइम जो हमने स्टार्ट किया होगा तो वो एंड कर देगा टाइम मेजर करना, स्टॉप कर देगा. और अगर हम तीसरी दफ़ा उस नोब को प्रेस करें तो नीडल जो है वो बैक टू ज़ीरो पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि वो रीसेट हो जाएगी. फिर हम दोबारा से उसको स्टार्ट कर सकते हैं उसी नोब को दोबारा प्रेस करके. तो डिजिटल स्टॉपवॉच टाइम बताती है जैसे ही हम स्टार्ट करें और स्टॉप करें बटन को, और उसको अगेन प्रेस कर दें तो वो टाइम स्टॉप कर देती है मेजर करना. और रीसेट बटन इसका एक होता है और जो कि रीस्टोर कर देता है इसको ज़ीरो सेटिंग पे.